सोशल मीडिया से एक्टिव होंदिया ही पंत ने दो हीरोज़ दे नाल कीता धन्नवाद। ताकत भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भयानक सड़क हादसे के मगरों रिकवरी करन तो बाद सोमवार शाम को ऋषभ पंत हादसे तो बाद पहली बारी एक्टिव हुए ट्वीट करदे अपनी सर्जरी के सफल होने की जानकारी दी। इस नाल ही उन्होंने अपने प्रशंसक साथी खिडारी डॉक्टर BCCI जय शाह ते होरना दा धन्नवाद किया। इस तो बाद हुण एक होर ट्वीट करदे ऋषभ पंत ने दो नायकों का धन्नवाद किया है। ऋषभ का 30 दिसंबर को सवेरे दिल्ली तो रुड़की जांदिया भयानक सड़क हादसे के एक्सीडेंट हो गया सी। इस हादसे तो बाद उन्होंने कार नू अग लग गई सी। हादसे की जगह सब तो पहला दो नौजवान पहुंचे जिन्होंने पंत नू सही सलामत हस्पताल पहुंचाया। देहरादून के मैक्स हस्पताल विच पहुंचते ही पंत की जांच करन तो बाद डॉक्टरों की टीम ने दस्या है कि उन्होंने मत्थे ते दो कट हन जिन्हां दे सज्जे गोडे दा लिगामेंट पाड़ गया है। इस तो इलावा उन्हां दे पैरां दीआं उंगलां अते पिठ दी विच वी सट लगी है। शुरुआती इलाज तो बाद उन्होंने मुंबई के हस्पताल के भेज दिता गया से जिते उन्होंने गोडे की सफल सर्जरी हुई है। हुण ऋषभ ने ट्वीट करदिया इन्होंने दोवें नौजवानों का तह दिलों धन्नवाद किया है। पंत ने दोवें नौजवानों की तस्वीर साझी करदिया लिखा मैं व्यक्तिगत तौर उत्ते सारा का धन्नवाद तो नहीं कर सकता पर मैं इन्होंने दो नायकों का एहसान मंद हाँ जिन्होंने मेरे हादसे के दौरान मेरी मदद की। यह यकीनी बनाया है कि मैं सुरक्षित ढंग के हस्पताल पहुँच गया। गल करांगे अगली खबर बारी। शतरंज चैंपियन मलिक हंडा नूं मिलिया नैशनल यूथ अवार्ड। राष्ट्रीय अते अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिपां दे विच कई तगमे जितण वाली बोलण अते सुणन दे विच असमर्थ शतरंज चैंपियन मलिका होंडा भारत दी इकलौती खिडारी रही है जिन्हां ने अंतरराष्ट्रीय डिफेंस अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप दे सोन तगमा भी जितया। हुण मलिका होंडा नूं बीते दिन भारत सरकार दे वल्लों नैशनल यूथ अवार्ड 2023 दे नाल सन्मानित किया गया है। इस संबंधी मलिका ने अपने ट्विटर हैंडल ते जानकारी दिंदिया दस्सिया है कि मलिका उन्हां 19 नौजवानों दे विच इक है जिन्हां नूं देश भर दे विच इस पुरस्कार दे लई चुनिया गया है। गल करांगे अगली खबर बारी। युकी सगेत दी भारतीय जोड़ी ने बैकॉक ओपन खिताब जितया। युकी भंडारी ने चोटी दे दर्जा किता प्राप्त। भारतीय जोड़ी ने शनिवार को इत्थे पिछड़न तो बाद वापसी करते हुए बैकॉक ओपन चैलेंज का खिताब अपने नाम कर लिया है। इत्थे ATP चैलेंज टूर दे विच इस जोड़ी ने 6वीं ट्रॉफी हासिल की है। युकी सगेत ने यह 7वें फिनाले दे विच अपना पहला स्थान दर्ज किया है।